हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन शुभम टेक्निकल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मज़ेदार हॉरर स्टोरी जिसका नाम है एडन। जी हाँ दोस्तों, एडन। ये बात थी 1994 की। एडन ये एक इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले आए। तो चैनल वीडियो के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि लड़की को हाथ पैर मुंह सभी तरफ से बांधा गया है, और जो लड़का किडनैपर है वो सिगरेट पी रहा है। वो लड़की ज़ोर से चिल्लाती लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, वो डिक्की को बंद कर देता है। उसके बाद हमें एक दिन पहले की स्टोरी बताई जाती है जिसमें जे नाम की लड़की है जो अपने फैमिली रेस्टोरेंट में काम करती है। वो अपने माँ बाप से छुपकर एक अपनी फ्रेंड है जिसका नाम है एबी के साथ सिगरेट पीती है, और एबी उसे शाम को पब में जाने के लिए कहती है क्योंकि वो टीनेजर थी, उसके पास फेक आईडी कार्ड भी था, और वो भी उसे जाने के लिए मान जाती है। वो जाने के लिए उसका फिर पापा आते हैं। उसके पापा को पता था कि वो सिगरेट पीती, लेकिन वो अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताते और वो दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। उसके बाद उसके पापा उसको एक रिंग देते हैं जो उनके पूर्वजों की निशानी थी। उसके बाद वो सीधे जाते हैं पब में, वहाँ पे पार्टी करते हैं। ये उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस था। वो दोनों शॉर्ट्स लेते हैं। उसके बाद एबी की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो लड़का बहुत ही खूबसूरत था, और वो दोनों उसके पास बात करने के लिए चल पड़ते हैं। तो जैसे उनके पास पहुँचते हैं तो जे का ध्यान उसमें ज़्यादा था, इसलिए एबी उन दोनों को अकेले छोड़ देती है। जे उसको राइड करने के लिए ऑफर देता है और वो मान जाते हैं। वो दोनों जे के घर की तरफ चलते हैं लेकिन वो गाड़ी रोक देते हैं और वहाँ पे किस करने लगते हैं, लेकिन उनको ये जे को ये अच्छा नहीं लगता। और तभी वो फायर फाइटर लड़का नीचे उतर कर दूसरी गाड़ी के साथ बात करने लगता है जो जे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तब वो देखती कि उस गाड़ी में बहुत से वैसे फायर फाइटर के कपड़े थे और वो सब फेक थे। तो तब जे वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसके बाद सब कुछ हमें ब्लैंक नज़र आता है। उसके बाद हमें एक बॉब नाम का ऑफिसर दिखाई देता है जो कि चला हुआ था लड़की की लाश को देखने, और ये जो केस था ये उससे सोल्व नहीं हुआ तो इसने इन दोनों को भी मार दिया। जी हाँ दोस्तों, मारने के बाद वीडियो को हमें आगे स्किप करके फिर जे के पास पर कहा जाता है जो कि अभी एक गाड़ी में है जिसके साथ बहुत सी और लड़कियां भी हैं। और उसके बाद एक लड़का आता है जो उनके फेस पर लाइट लगाता है। लाइट लगाने के बाद जे सीधी एक रूम में दिखाई देती है जहाँ पे नर्स इसके साथ आती है। जे बहुत चिल्लाती लेकिन वो उसे इंजेक्शन से चुप करवा देते हैं और बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसका ऑपरेशन करने लगते हैं। उसके बाद ये उनके नहाते नहाते हैं, और उसके बाद जे की जब होश आता है जब वो एक छोटे से कमरे में थी जहाँ पे उसके साथ और भी कई लड़कियाँ लड़के थे। और उसके बाद बॉस आता है, तो जब जे बाहर आके देखती है तो उसको पता चलता है कि मैं यहाँ अकेली नहीं, मेरे साथ अनेक बड़े और छोटी लड़कियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो बॉस इन सबको एक एक गिफ्ट देता है जो कि कैट थी। वो सभी को कैट देता है लेकिन जे अभी तक बाहर नहीं आई थी, जे नहीं लेना चाहती थी कैट। सभी लोग अपने अपने कैट लेकर अंदर जाते हैं लेकिन जे अभी तक कैट नहीं लेकी। अगले दिन वो सीधे नहाने के लिए जाते हैं और वो नर्स उनको चेकिंग करती है। वो पता नहीं क्या चेक करती लेकिन साथ में उनको ड्रग्स दे देती हैं। ड्रग्स देने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते वो अपनी कैट के साथ खेलते हैं क्योंकि वही उनका लास्ट सहारा था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एक बॉब नाम का लड़का था जो अपने साथ कुछ चुनी हुई लड़कियों को लेके जाता है, और उन लड़कियों में जे भी थी। खासकर उनको एक सर्विस के लिए लिया जाता है जहाँ पे उनको एक लड़कों की प्यास बुझानी थी, और वो लड़के और उनको कैमरे के आगे खड़ा किया जाता है। कैमरे के आगे उनको बहुत पिटाई की जाती है, उनको कोड़ों से मारा जाता है। ये लड़की उनको बहुत ही बेरहमी से मारती है। जे बहुत चिल्लाती है लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता और खाते रहता। उसके बाद उनकी एक फ्रेंड बन जाती है जिसका नाम था प्रिंस लीला। उसके बाद हमें शूट बताया जाता है जो कि गाड़ी में थी वो और एक लड़की, और वो जे थी। जे अपने सर्विस के लिए गई थी, जो लड़का उसकी बाप की उम्र का था। तो जैसे ही वो लड़का उसके साथ करने लगता है तो जो बॉक था वो ड्रग्स लेने लगता, तब उसे आवाज़ आती है एकदम से, वो भाग कर जाने लगता है तो देखता है कि जे भाग गई थी और जो आदमी था उसके मेन पार्ट को काट दिया जाता है।
उसके बाद बॉब जल्दी से भाग के जाता है, लेकिन जे उसके हाथ में नहीं आती। जे भाग जाती है और भागते भागते वो एक घर में पहुंचती है, लेकिन बॉब उनको बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और मैं ड्रग एडिक्शन को पकड़ने के लिए आया हूं, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इसको ले जाता हूं अभी के अभी, ये जेल में जानी चाहिए। उसके बाद बॉब इसको बहुत बुरी तरह मारता है और इसे एक ठंडी बर्फ के कंटेनर में डाल देते हैं वो दोनों। और इसके बाद वो ऑफिसर बॉब को बहुत ही गालियाँ निकालता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। अगले पार्ट में हमें बताया जाता है कि ये एक साल की बात बात है, जबकि जे ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी और ये इसमें माहिर हो गई थी। उसके बाद इसका नाम जे से एडन पड़ गया था, तो एडन की एक फ्रेंड बन गई थी जिसका नाम था प्रिंस लीला, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। और ये एक इसकी और थी जिसका नाम था ले, जिसके हाथ में एडन की जो रिंग है वो थी, तो एडन उसे ये रिंग लेना चाहती थी प्रिंस लीला, और ये प्लान बनाती हैं। अब पता नहीं क्या प्लान, वो आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो ये कुछ अपनी पर्सनल बातें करती हैं, पर और इसके बाद सीधा प्रिंस लीला को उसका बॉस लेने आ जाता है, जो कि बॉब था। बॉब उसे पता नहीं कहाँ ले जाता है, रात तक वो वापस नहीं आती। उसके बाद जे को एक फिर सर्विस देने के लिए जाना था, और उसमें वो जापानीज बनी हुई थी। जापानीज बनने के बाद अब वो जे बहुत माहिर हो गई थी एक दूसरों के साथ सेक्स करने के लिए, तो वो एक बूढ़ों के साथ सेक्स करती थी कभी, जापानों के साथ, और वो मतलब पता नहीं किस किस के साथ सेक्स करती थी। रात को भी प्रिंस लीला बाहर नहीं आती है तो वो सो जाती है। उसके बाद जो ये जे है, जे अपनी मतलब उस पर फायर कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है कि, और उससे अपनी अंगूठी ले लेती, तभी सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ कर अलग कर देते हैं, और वो उसको सजा देता है कि तुम इस अंगूठी को निकलो। और जे को ये बदकिस्मती से करना पड़ता क्योंकि जे उनके सामने कुछ और नहीं कर सकती थी। वो उसको कहता है, वो पूरी निकल लेती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो बहुत सी रोने लगती है और बॉब उन पर कुछ नहीं कहता। वो कहती है कि मुझे यहाँ पे सभी कहते हैं कि मैं नौकरानी बन के आई हूँ, और बॉब उसकी बातों में नहीं आता है और बॉब उन पर चिल्लाने लगता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जे को एक और सर्विस के लिए भेजा जाता है, क्योंकि जे अब बहुत माहिर हो गई थी सर्विस के लिए और वो लड़कों को बहुत खुश कर देती थी, वो भी कम पैसों में। तो इसके लिए बॉग वहाँ पे पैसे मांगने लगता है, लेकिन वो पैसे नहीं देते, इसलिए बॉग उन पे शूटिंग करने के बाद भी उनसे पैसे मांग लेता है। उसके बाद जे जाती है अपने टॉयलेट में और वो पोटी करके अपनी रिंग तो निकाल लेती है और उसको धोकर फिर से अपने हाथ में डाल लेती है, क्योंकि वही एक निशानी थी जो इसे एडन से जे की निशानी देती थी और उसको पुराना नाम जे। फिर बॉब दोबारा से आता है और सभी के ऊपर चिल्लाने लगता है, और बॉब और जे अभी एक साथ रहने लगे थे, वो सभी कंटेनर में थे, लेकिन जे को बॉब की कुछ पुरानी तस्वीरें नजर आती, उसमें वही लड़का था जो जे को यहाँ तक लेकर आया था। उसके बाद बॉब कंटेनर में गया। कंटेनर में जाने के बाद बॉब बहुत परेशान था, क्योंकि वहाँ पे सभी लड़कियाँ कुछ ना कुछ कही जा रही थी। उसके बाद जो कॉल हैंडल करती थी वो कॉल हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी उसकी ड्यूटी जे को दी जा रही थी। जे को ड्यूटी देने के बाद वो बहुत सी चलाने लगी, क्योंकि अभी जे बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने लगी। उसके बाद हमें नर्स को बॉब के साथ बताया जाता है, जो कि बॉब की बहुत अच्छी सी पता नहीं क्या क्या स्पीच देने लगती है, एक अच्छी सी स्पीच देती है वो, और उसकी स्पीच को बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद बॉब और जो बॉब था वो फिर से हमें दिखाई देता है, जो कि एक ऑफिसर के साथ उस केस के बारे में बात करता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि बॉब और जे दो लाशों को लेकर हमारे साथ आता है, तो वो जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो वहाँ पे फिश कैचिंग कर रहा था, तो वो बॉब और जे दोनों लाशें निकाल कर समुंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं। तभी जे और बॉब सुनते हैं कि जो बॉब है वो उसकी तारीफ नहीं बल्कि शिकायतें लेकर आया था, और उसी वक्त जो बॉब है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीछे से फायरिंग करते उसे भी मार देता है, जो जे उसे देखकर बहुत रोने लगती है। उसके बाद जे और बॉब साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। उसके बाद बॉब और उसे एक फ्रेंड के घर में लेके जाता है, जहाँ पे उसे पता था कि हमने जे के साथ क्या क्या किया। उसके बाद जे को जाना था टॉयलेट, वो अंदर जाती है तो उसे एक ऑपरेशन रूम दिखाई देता है और उसे एक प्राइवेट रूम दिखाई देता है। उस प्राइवेट रूम में एक लड़की थी जिसका नाम प्रिंस लीला उसकी फ्रेंड थी, लेकिन वो अभी प्रेग्नेंट थी। लड़कों ने कितनी बार उसके साथ सेक्स किया हुआ था कि उसको प्रेग्नेंट कर दिया गया था। उसको प्रेग्नेंट से निकालने के लिए बहुत से माहिर काम किए गए। वो चुप करती उसको चुप कहती है और बाहर को चले आती हैं। उसके बाद वो जाने की तैयारी करते हैं। वो जब जाने लगते हैं तो गाड़ी जे इस बार ड्राइव कर रही थी,
तो बॉक उससे पूछता है कि तुमने वहाँ पे क्या देखा, तो वो कहती है बस ऑपरेशन रूम। उसके बाद वो चुप हो जाती है। तो जे उसे वहाँ पे गाड़ी रोकने को कहता है। उसके बाद एक लड़की है जो बाहर निकलता है और कहता है जा तुम इसे शूट करो या अपने आप को शूट करो। तो जे को किस्मत से ही उसे शूट करना पता, लेकिन शूट में गोली नहीं थी क्योंकि बॉग उसकी ईमानदारी को जांचना चाहता था कि वो कितनी ईमानदार है। उसके बाद वो फिर से गाड़ी में बैठ कर चलने लगते हैं। उसके बाद अभी वो ही सभी कंटेनर को नापता था और अपने सिक्योरिटी गार्ड को सजा दे देता था। जे जो कि उसकी अभी बिल्कुल ईमानदार साथी बन गई थी, वो उसके साथ ही रहने लगी। उसके बाद वो नर्स उसको कंटेनर बदलने के लिए कहती है और उसका कुछ पुराना सामान लेके आती हैं। सभी लड़कियां सोई हुई थी, कैट थी वो बड़ी होगी थी जो कि जे के हाथ में थी, आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद जे और बॉग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे लेकिन जे नहीं करती थी। उसके बाद बॉग ड्रेस लेने लगता है लेकिन उसको पहले बाथरूम जाना होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जे वहाँ पे पड़ी मच्छरों को मारने वाली दवाई को जे के उसमें डाल देती है ड्रग में, और ताकि वो उसे पिए और बेहोश हो जाए। जे फिर बैठ जाती है। जब बॉग उसे पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। जे अपने पैर में रखी हुई बैंडेज को काटती है और वहाँ से कुछ इंजेक्शन को उठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाती। सबसे पहले वो जाती है अपने फ्रेंड प्रिंस लीला को लेने। तो वो उसके घर पे जाती है और उसके बात करती है कि तुम पैसे ले लो और उसे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानता। इसलिए जे को बहुत सी तकलीफ़ें लेने के बाद, उसे इंजेक्शन देने के बाद, उसे बेहोश करने के बाद प्रिंस लीला को वहाँ से निकालती है और गाड़ी में चले जाती हैं। उसके बाद दोस्तों वो एक वहाँ पे गाड़ी रोकती है और फ़ोन करती है उसकी माँ को। फ़ोन करते करते उसकी माँ उसकी आवाज़ को पहचान लेती है और वो उसे इडन नहीं जे कह के पुकारती है, जो उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। और ये स्टोरी यहाँ पे एंड होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।